नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। अनादि टीवी की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। दशहरा यानी बुराई पर अच्छाई की जीत। वैसे तो दशहरा पर्व रविवार को भी कई जगह मनाया गया, लेकिन आज भी दशहरा कई जगह पर मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस के कारण दशहरे के त्यौहार पर इस साल पहले जैसी रौनक नजर नहीं आई। बहुत कम जगहों पर रावण के पुतले दहन किए गए और किए भी जाएंगे। कई जगहों पर लोगों के उत्साह में कमी दिखाई दी, लेकिन कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ने से जरा भी नहीं चुके। आइए इस साल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में रविवार को हुए रावण दहन की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़वानी जिले से, जहां कोरोना महामारी के चलते इस बार दशहरे की रंगत फीकी रही। शहर के दशहरा मैदान पर आदम कद वाले रावण की जगह इस बार छोटे कद के रावण के पुतले दहन किए गए। सालों पुरानी परंपरा का निर्वहन करने के लिए इस बार प्रतीकात्मक रूप से रावण दहन किया गया। भव्य जल समारोह के बीच राम लक्ष्मण संग हनुमान रथ पर सवार होकर रावण दहन करने दशहरा मैदान पहुंचते थे, लेकिन इस बार सादगी पूर्वक समारोह के जरिए बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व मनाया गया। कोरोना प्रकोप रोकने के लिए दशहरा मैदान पर आमजन की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाकर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, ताकि शहरवासी घरों में ही बैठकर कार्यक्रम टीवी के जरिए देख सके। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, मास्क लगाया गया। कार्यक्रम स्थल पर सांसद और कलेक्टर SP की मौजूदगी में बुराई के प्रतीक रावण का दहन हुआ। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो अच्छाई पर बुराई की जीत के उद्देश्य से इंदौर के दशहरा मैदान में भी रावण दहन किया गया, लेकिन हर साल की तरह इस साल मैदान में रावण दहन देखने लोग नहीं पहुंचे। इससे पहले हर बार रावण दहन के समय ये स्थिति होती थी कि मैदान के बाहर तक रावण दहन देखने वालों की संख्या रहती थी, लेकिन इस बार मैदान सूना नजर आया। रतलाम जिले के आलोट में भी कोरोना गाइडलाइन के तहत बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया गया। 51 फीट के रावण का प्रतीक स्वरूप बनाकर पहले राम लक्ष्मण हनुमान की झांकी दशहरा मैदान पहुंची, इसके बाद श्री राम ने रावण का दहन किया। इस मौके पर प्रशासन ने पहले ही नगर में सूचना देकर नागरिकों को बता दिया था कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे लाना प्रतिबंधित है और 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध भी न आए। इसके चलते दशहरा मैदान पर इस साल लोगों की भीड़ कम दिखाई दी और परंपरागत रावण दहन किया गया। वही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए नगर परिषद द्वारा लोगों को मास्क वितरित किए गए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के लिए चूने के गोले भी बनाए गए। इस दौरान लोगों ने रावण दहन के बाद एक दूसरे को विजयदशमी की बधाई दी। नीमच के जावत शहर में भी विजयदशमी का पर्व कोरोना को ध्यान में रखते हुए मनाया गया। इस बार दशहरा मैदान में 41 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन हुआ। विजयदशमी के मौके पर देश दुनिया में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस का पुतला फूंका गया और बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ कोरोना वायरस का नाश हो, भारत कोरोना से मुक्त होकर संदेश दिया गया। इस दौरान कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय भी मौजूद रहे। जिला प्रशासन की ओर से यही आशा करते हैं कि इस कोरोना काल के समय में जो सांकेतिक रूप से विजयदशमी का पर्व आज मनाया जा रहा है, लोग इसको बहुत हर्षोल्लास से मनाएं और आगे आने वाले समय में इसको हम लोग बृहद आयोजन करके मनाएं, जो हम लोग कोरोना से हम लोग निजात पा लेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। इस बार एक नई चुनौती है त्योहारों को मनाने की। इसमें आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये पूरे आयोजन हम लोग कर रहे हैं और इसमें मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के आयोजकों और यहाँ के लोगों ने भी इसका। इधर शिवपुरी जिले में विजयदशमी का पर्व कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया गया। सिद्धेश्वर मंदिर परिसर और काली माता मंदिर के पास 2 जगह रावण दहन किया गया। कोरोना काल का असर रावण दहन पर दिखाई दिया। इस बार कोरोना के चलते 20 फीट का रावण दहन किया गया। वहीं कोरोना काल के चलते रावण दहन देखने आए लोगों की स्क्रीनिंग भी की गई।
नवरात्रि के पावन पर्व का समापन होते ही मां दुर्गा को धूमधाम से विदाई दी जा रही है। माता को विदाई देने का सिलसिला रविवार से ही शुरू हो गया, जो कई जगह अगले 2 से 3 दिन चलेगा। होलाईकला शहर में भी रविवार को उत्सव का माहौल रहा। एक तरफ दशहरा पर्व की तैयारियां तो दूसरी तरफ माता की विदाई की गई। इस दिन शहर में दिन भर कार्यक्रमों का दौर चलता रहा। कहीं कन्या भोज किया गया तो कहीं पूर्ण आहुति के साथ नवरात्रि पर्व का समापन हुआ। 9 दिन पहले जिस उत्साह और उल्लास के साथ माता की आराधना का दौर शुरू हुआ था और शहर में प्रतिदिन धार्मिक आयोजनों के साथ माता की आराधना की गई थी, इसी उत्साह के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन प्रशासन द्वारा तय स्थलों पर किया गया। इसके लिए विभिन्न नव दुर्गा उत्सव समितियों द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं लालबाई फूलबाई मंदिर, रूपा माता मंदिर, विजासन माता मंदिर सहित विभिन्न माता मंदिरों पर पूर्णाहुति के साथ नवरात्र का समापन किया गया। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां दशहरे के मौके पर मुख्य कार्यक्रम रायपुर में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति श्री दूधाधारी मठ द्वारा रायपुर के रावण भाटा टिकरापारा में आयोजित दशहरा उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने वहां रावण वध के बाद भगवान श्री बालाजी की आरती कार्यक्रम में भाग लेते हुए पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। भूपेश बघेल ने दशहरा उत्सव में शामिल होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि श्री दूधाधारी मठ द्वारा आयोजित ये उत्सव छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन दशहरा उत्सव में माना जाता है। इसके लिए उन्होंने संरक्षक राजश्री महंत डॉक्टर राम सुंदर दास और अध्यक्ष मनोज वर्मा सहित पूरे आयोजन समिति की सराहना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दशहरा का पर्व असत्य पर सत्य की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व है। ये पर्व हमें अपने अहंकार बुराई को समाप्त कर अच्छाई और सत्य की राह पर चलने का संदेश देता है। तो मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर रावण दहन का पर्व विजयादशमी धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर कार्यक्रम में भाग लिया, बालाजी की आरती के कार्यक्रम में भाग लेते हुए पूजा अर्चना की, प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए कामना की। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने दशहरा उत्सव में शामिल होने पर खुशी भी जाहिर की। रायगढ़ में दशहरे का पर्व सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। शहर के रामलीला मैदान, नटवर स्कूल और मिनी स्टेडियम में रावण दहन किया गया। सबसे पुराने रामलीला मैदान में रियासत काल से दशहरा पर्व पर रावण दहन किया जा रहा है। इस साल कोरोना वायरस के चलते जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विजयादशमी का पर्व मनाया गया। वही नटवर स्कूल ग्राउंड में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की निगरानी में रावण दहन का कार्यक्रम शहर के 3 जगहों पर किया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार रावण का 10 फीट ऊंचा पुतला ही बनाया गया था। सबसे पहले तो मैं पूरे दशहरा की विजयादशमी के सभी शहरवासियों को, जिले के वासियों को ढेर सारी बधाई देता हूँ। इस बार ये परंपरा हमेशा की तरह जारी रखा गया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोविड में बहुत सारी बंदिशें थी, उसके बावजूद रावण दहन का ये प्रोग्राम अच्छे से रखा गया था। और ये अभी जो दौर चल रहा है वो बहुत ही खतरनाक, एक हम खुद एक लड़ाई लड़ रहे हैं
कोविड से लड़ रहे हैं, जिसमें सबकी सहभागिता भी है और सब लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जल्दी हम लोग इस लड़ाई को भी जीतेंगे। हम लोगों ने जो जिला प्रशासन की गाइडलाइन थी उसका पूरा पालन किया है और वर्तमान भी आज बहुत सारी भीड़ होने के बाद भी भीड़ बाहर के बाहर निकल गई और हम लोगों ने जितना सोशल डिस्टेंस का पालन हो सकता है उतना पालन करने की पूरी कोशिश की। कि और रायगढ़ के लोगों से भी ये निवेदन है कि जो घर में हैं तो घर में रहें और स्वस्थ रहें, और जो कुछ बाहर निकल के आ सकते हैं अपना समय दे सकते हैं वो बाहर में रह के फिर घर में जाके अपनी सामान्य स्थिति में रह सकते हैं। रायगढ़ जिले में तीनों समितियों ने शासन के गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी परंपरा का निर्वाह किया है, रावण दहन का कार्यक्रम भी किया है। रायगढ़ जिले के नागरिक और आयोजन समिति के लोग बधाई के पात्र हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार 22 मार्च से इसी सब कार्य में लगे हुए हैं कि कोरोना से लड़ाई कैसी लड़े, और निरंतर वो इस काम में लगे हुए हैं। मैं पुनः आयोजन समिति को अपनी तरफ से बधाई दूंगा। तो देखा आपने, दशहरा पर्व की शुरुआत रविवार से हो चुकी है जो आज भी जारी है, लेकिन कोरोना ने रावण दहन का उत्साह थोड़ा सा फीका कर दिया। अब इसके बाद हम आपको मध्य प्रदेश के माता के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कराते हैं कि किस मंदिर का आखिर क्या महत्व है, ये आपको बताएंगे। तो आप देखते रहिए अनादि टीवी। प्राकृतिक और धार्मिक महत्व का संगम स्थल है धारूल का अंबा माई मंदिर। भैंस से ही से 120 किलोमीटर की दूर पर दक्षिणी क्षेत्र के जंगल में स्थित एक प्राकृतिक ऊष्मा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और पेड़ों के साथ ही प्राकृतिक चट्टानों से झरते झरने, कल कल करती नदियां और पक्षियों के शोर से उत्प्रोत स्थल के बीच 3 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ के उस पर एक गहरी गुफा में विराजमान है अंबा माई देवी, जहां रोजाना पूजा अर्चना करने वाले दूर दराज के दर्शनार्थी आते हैं। लेकिन शारदीय नवरात्र पर इस स्थान का महत्व काफी बढ़ जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र और अन्य शहरों से रोजाना आने वाले दर्शनार्थियों से ये स्थान गुलजार रहता है। रोजाना होने वाली सुबह शाम की आरती का महत्व दर्शनार्थियों की भीड़ से लग जाता है। यहाँ 50 फुट गहरी गुफा में विराजी अंबा देवी के अलावा अन्य गुफाएं भी हैं जो दर्शनार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस स्थान के नीचे बहती साफ नदी पानी की नदी में लोग स्नान कर यहां दर्शन कर पिकनिक भी मनाते हैं, जिसके लिए समिति ने बर्तनों की व्यवस्था की है। इस स्थान पर खासियत पर प्रकाश डालते हुए समिति के सदस्य भोजराव गायकवाड़ पप्पू मलिक कहते हैं कि यहां की कुछ गुफाएं इतनी गहरी हैं कि इसमें लेटकर जाना पड़ता है। अनेक लोगों का मानना है कि यहां किसी समय मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सबसे पहले क्रांतिकारी टंटिया भील ने भी अंग्रेजों से बचने के लिए कुछ समय तक शरण ले रखी थी। हमारे यहाँ चौहान फैमिली रहती है केलवरा में ही, तो उनकी फैमिली से एक बहन जी आई थी, तो उनको 10-20 वर्ष हो गए थे, शायद 10 साल से अधिक हो गए थे, तो उन्हें बच्चे नहीं हुए थे। और फिर वो यहाँ आई, उन्होंने 5 पूर्णिमा की, और 5 पूर्णिमा के हवन में डेली आती थी और रात में वो हवन पूर्ण करके गई, और उनको आज पुत्र रत्न की प्राप्ति भी है और काफ़ी बड़ा बच्चा भी हो गया उनका, और आज नौकरी भी कर रहा है। माता रानी के आशीर्वाद से उनकी फैमिली से आज भी कुछ लोग आए थे जिन्हें फिर बाद में पुत्री की प्राप्ति हुई, और पुत्री के साथ में वो आज आए थे, तो उन्होंने कुछ अपनी जो भी मन्नतें मांगी थी तो वो यहाँ पर माता रानी को चढ़ावा चढ़ा कर आज ही गए। ये माता रानी तो स्वयंभू है, और ये यहाँ मतलब मैं 6वीं पढ़ता था, यानी बड़े मुश्किल से 6वीं पढ़ता है, यानी 10-12 साल का रहा हूँगा जब से मैं यहाँ आता हूँ माता रानी के दरबार में। और उसके पहले का तो इतिहास अपने को नहीं मालूम, अपन ने जानने की भी कोशिश नहीं की किसी से, पर ऐसे ही कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ टंटे भील करके जो अपने वो थे ना, ये गुफा की विशेषता आप क्या बताए, यहाँ तो शेर आते थे, शेर रहते थे दिन में, यानी नवरात्र में भी शेर रहते थे यहाँ कई बार हमारे, और अपने सांप, अभी तो पब्लिक ज़्यादा होने की वजह से
बहुत कम हो गए, कम क्या नहीं के बराबर हो गए, कभी जभी दर्शन देते नहीं, पहले अक्सर बिल्कुल वो नज़र आते थे। कई बार हमारे पुराने पुजारी थे, उनको उनके हाथ से यदि अगर कहीं कुछ गलत हो गया तो उनको माता रानी ने 8-8 दिन यहाँ पूजा करने नहीं आने नहीं दिया, वो रास्ते में आड़े हो जाते थे, रास्ते में आड़े रहते थे। और उनके साथ में जो दूसरे लोग रहते थे वो उनको भेजते थे तो वो वहाँ से हट जाते थे, वो पूजा करते। यहाँ की अम्बा माई हैं वो साक्षात माता रानी यहीं से प्रकट हुई वाली है। यहाँ पे मंगला माता और अम्बा माई ये दोनों यहाँ पे रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पे हर पूर्णिमा पे यहाँ पे हवन होता है और भंडारा होता है, और यहाँ पे जितने लोग भक्त लोग आते हैं यहाँ पे जो 5 पूर्णिमा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भैंसी से शंकर राय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, काफी विशेषता है इस माता के मंदिर की, लेकिन अगर इस शारदीय नवरात्र की बात की जाए जो कि बहुत अलग था हमेशा की तरह, कोरोना काल में भक्त यहाँ पर पहुंचे, किस तरह की व्यवस्थाएं मंदिर में थी, इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि आज की क्या तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं आप? जय जी, आपको बताना चाहूंगा, भैंसदेही से 120 किलोमीटर की दूरी पर ये महाराष्ट्र और MP सीमा पर ये अम्बा माई मंदिर है, जो कि 3 किलोमीटर की ऊंची पहाड़ियों पर माता रानी का ये स्थान है। और ये स्थान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्थान ऐसा पूरा भारत में इस तरह का स्थान देखा नहीं जाता है, क्योंकि बीच गुफा के बीच में कम से कम 2 किलोमीटर की गुफा है, गुफा के अंदर माता रानी वहां पर विराजमान है। और इस माता रानी की विशेषता यह है कि इस माता रानी के मंदिर में अगर कोई भी श्रद्धालु या कोई भी भक्त सच्चे मन से अगर मनोकामना लेके जाता है तो उनकी निश्चित रूप से माता रानी सभी मनोकामना पूरी करती है। साथ ही यहाँ पर जो भक्त बताते हैं कि कई चमत्कार देखने को मिलते हैं इस नवरात्र में। जब हमने पुजारी से बात की तो उनका कहना था कि 2 श्रद्धालु आए थे लेकिन उनके पास दुर्गा चालीसा का पाठ नहीं था, तो कहीं ना कहीं फिर पुजारी ने देखा कि उनने उस दुर्गा चालीसा के पाठ को देखने की कोशिश की तो नहीं मिली, फिर उन्हें अचानक एक दुर्गा चालीसा की कम से कम 1000 कॉपियां मिल गई। तो कहीं ना कहीं ये चमत्कार माता रानी का है, भक्त चाहते थे कि वहां पर दुर्गा चालीसा का पाठ हो, आखिर माता रानी ने उनकी मन्नत सुनी और वहां पर हजारों की संख्या में दुर्गा चालीसा के पाठ की कॉपियां वहां पर उपलब्ध हो पाई थी। और कहीं ना कहीं कोरोना काल में देखा जाए कि कोरोना काल में जहाँ श्रद्धालु मंदिर नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन ये जो अम्बा माता का मंदिर है हालांकि काफी भैंसदेही से दूर भी है और क्षेत्र से महाराष्ट्र और MP की सीमा के बीच में लगा हुआ ये मंदिर है, तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने तो जा रहे हैं। और पुजारी का कहना है कि माता रानी के दरबार पर जो श्रद्धालु भी आता है उसे कोरोना कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि माता रानी का इतना आशीर्वाद है। ये माना जाए शंकर राय कि कोरोना काल में भी भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये समझा जाए कि कोरोना का असर इन भक्तों के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल जय जी, कोरोना की बात की जाए तो कोरोना का डर फिलहाल जो श्रद्धालु उनमें नहीं है, क्योंकि श्रद्धालुओं के द्वारा सिर्फ माता रानी की 9 दिन तक भक्ति करना ही सबसे बड़ा उनका उद्देश्य था, क्योंकि माता रानी की जो सच्चे मन से पूजा कर लेता है, सेवा कर लेता है, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो कोरोना जैसी महामारी का बिल्कुल भी असर देखने को मिला, लेकिन फिर भी समिति द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने पूरी व्यवस्था वहां पर की थी, सोशल डिस्टेंस का पालन मंदिर प्रशासन द्वारा कराया गया, कहीं ना कहीं जो कोरोना से सावधानी रखनी उन सभी चीजों की वहां पर व्यवस्था की गई थी मंदिर समिति द्वारा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका शंकर राय जानकारी साझा करने के लिए। ईसागढ़ का एक छोटा सा गांव ढाकुनी में करीब 400 साल पुराने प्राचीन मंदिर में मां हरसिद्धि का स्थान है, जो ये सिद्ध करने को काफी है कि यहाँ ये भी चंदेरी और कदवाया जैसा प्राचीन है। यहाँ 12 महीने भक्त दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि जब राजा नल पर विपत्ति आई थी और उन्होंने अपने राज्य नरवर से चंदेरी पलायन किया था, तब वो यहाँ रुके थे। ढाकुनी के तालाब का निर्माण करीब 400 साल पहले राजा नल ने कराया था। ये तालाब 4 किलोमीटर में फैला है। ईसागढ़ क्षेत्र में इतनी अनमोल धरोहर होने के बावजूद प्रशासन ने आज तक ढाकुनी की तरफ गौर नहीं किया। जैसे पर्यटन विभाग चंदेरी और कदवाया पर मेहरबान है, उसी तरह ढाकुनी को भी एक शानदार पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है। तेरे भक्त जनों पे माता भीर पड़ी है। इसी तालाब में घूम गई थी और आज भी जो सफेद बीज डाला जाएगा वो इस तालाब से जो मछली निकालेगा तो काले ही कलर की मछली निकलेगी।
कोई और दूसरा कलर नहीं आएगा मछली। अगर आज भी अगर कोई व्यक्ति इसमें मछली का बीज डालता है हाँ तो वो काला आएगा, काला आएगा। सफेद डालेगा तो वो काली निकले, आप जब उसको बाहर निकालेंगे पकड़ेंगे तो वो काली निकलेगी, सफेद नहीं निकलेगी। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, मान्यताएं बहुत है इस मंदिर की, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की और पुरातत्व विभाग की अनदेखी का शिकार ये हो रहा है। अगर पुरातत्व विभाग ध्यान देना शुरू कर दे तो ये भी एक बड़ा पर्यटन स्थल बन सकता है, ये माता का दरबार। सुरेंद्र, आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी मैम। सुरेंद्र, सवाल मेरा यही है कि कई मान्यताएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और पुरातत्व विभाग की अनदेखी का शिकार ये मंदिर हो रहा है। अगर ध्यान देना शुरू किया जाए। थोड़ी सी कम आ रही है सुरेंद्र, आवाज आ रही है मेरी आपको? थोड़ी कम। हाँ मैम बताएं। चलिए, आवाज लगता है उन तक नहीं पहुंच पा रही है। शुक्रिया आपका सुरेंद्र। नसरुल्लागंज के लाड़कुई में शारदीय नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया गया। नवरात्र में मां भगवती के सभी भक्तों ने पूजा अर्चना की, जिसमें से एक रूप मां सिद्धदात्री का है जो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। नसरुल्लागंज के लाड़कुई में करीब 90 के दशक में मां सिद्धदात्री की स्थापना की गई थी। नवयुवक की एक टोली ने दो पीपल के पेड़ के नीचे बने ओठले पर मां की प्रतिमा की स्थापना की, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसी जगह पर मंदिर बनाया गया। 2008 में युवकों के प्रयास से भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें मां सिद्धदात्री की स्थापना की गई और तभी से लेकर अब तक लगातार मां सिद्धदात्री की पूजा अर्चना यहां की जा रही है। का निर्माण तो करीबन 5 साल तक चला, लेकिन 2008 में माँ भगवती की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित कर दी गई और उसके बाद सतत यहाँ पर भव्य आयोजन आयोजित किए जाते हैं। भवानी की जो प्रतिमा स्थापित की गई है वो हमारे यहाँ के भूतपूर्व सरपंच नेताजी श्री मांगी स्वर्गीय श्री मांगी लाल जी की स्मृति में उनकी पत्नी ने प्रतिमा दी थी और उस माँ की प्रतिमा का जो नाम है सिद्धदात्री दुर्गा देवी धाम यहाँ पर रखा गया है। पहले स्थिति ये थी कि जब हम आए थे यहाँ पूजन करने के लिए, जब यहाँ केवल तखत रखाते थे, लेकिन भगवती की जब कृपा हुई तो सभी हमारे समिति के जो सदस्य हैं उन्होंने बहुत श्रम परिश्रम करते हुए ये मंदिर का निर्माण हुआ। और मैं इन सब भक्तों के लिए साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि उन्होंने भगवती का मंदिर का निर्माण करते हुए और दिव्य भगवती मैया की यह प्रतिमा जयपुर से बगा करके प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान यज्ञ के द्वारा सम्पन्न कराई गई है। और इसी के साथ अनादि टीवी के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।